स्वागत है आपका पंजाब और लद्दाख सीरीज में। देन आज मेरा लास्ट डे था वैष्णो देवी में, सो आप निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए, एंड मे बी थ्री डेज लग जाएगा श्रीनगर के लिए। सो लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं हम लोग। सो हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी से कटरा होते हुए, ये श्रीनगर हाईवे ऐसे गया, मैं इस तरफ गया था वैष्णो देवी होते हुए, और चलूँगा श्रीनगर अभी। देखो जितना क्रॉस कर पाऊँगा मतलब उतना निकल जाऊँगा। और ये भाई लोग चले जाएंगे अपना पंजाब, सुखविंदर जी और योगेश जी जाएंगे अपना अभी इंडिया टूर करेंगे, जो अभी हिमालय हिमाचल जाओगे ना, हिमाचल घूमोगे, और मैं चलूंगा लद्दाख के लिए अकेले अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो भाई बेस्ट ऑफ लक हमारा दुआ। बिल्कुल यार, मतलब दो तीन दिन जर्नी हमारी सब करे बहुत बेस्ट रही भाई ना, मजा आया। और मतलब एक मतलब अच्छी मैं नॉर्मल जर्नी हो जाती है भाई, ऐसे अकेले रहो ना तो थोड़ा मतलब डर सा लगता है थोड़ा। मतलब गुड मॉर्निंग भाई लोग ना, मैं कल श्रीनगर के हाईवे पे आ गया था, तो यहाँ से कम से कम 5-6 किलोमीटर आ गया था, आगे शाम हो गया था, तो मिल गया था एक लंगर, तो मैं ना लंगर में रुक गया था रात में, वहीं पे सोया था। मैंने सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि आर्मी थी ना, तो मैंने वीडियो वहाँ पे नहीं बनाया था। सो आज है दूसरा दिन, तो मैं अब यहाँ से मैं भी आज 50-60 किलोमीटर जो भी कवर करूँ, आज तो ऐसे नहीं पहुँच पाऊँगा श्रीनगर, अभी 2 दिन और लगेंगे। तो मैं मतलब आप मेरी जर्नी में बनी रह जाइएगा, 3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगा, और मैं भी 2nd या 3rd ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगा श्रीनगर। और ये मेरी, मैं खड़ा हूँ अभी अपनी हायाबुसा पे और चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और 10 भी बज गया है ना। सो गाइस अभी उधमपुर जाना है, उधमपुर के कम से कम यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है। और ना जो पीछे सांप दिख रही है, यहाँ मैं बैठा था तो मैं पानी भरने के लिए, और यहाँ पे एक मतलब आर्मी सर मिले थे, और ना आर्मी सर ने ये बताया कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब श्रीनगर वगैरह घूम सकते हो, बहुत ही सेफ है। और ये भी बताया ना भाई, इस टाइम आर्मी हमारी आर्मी को मिला है मतलब सीधे डायरेक्ट मारने के लिए ऑर्डर, किलिंग करने। पहले मतलब क्या था, पकड़ते थे पूछताछ करते थे, मतलब आप डायरेक्ट जहाँ पे पाओ बस ठोक दो। भाई सर आर्मी सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, तब लगा आप कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र घूमो भाई। टेंशन तो हो जाती है ना ऐसे टाइप के एरिया जोन में, बट भाई सच में मुझे वो सुन के अच्छा लगा कि हाँ अब हम लोग कम से कम अपना देश बहुत बदला भाई, वो भी अपनी आर्मी की वजह से हम लोग सेफ घूम सकते हैं। और भैया हाँ वहाँ पे अंकल जी थे, मैंने चाय कहा भी नहीं, उन्होंने यार चाय ला के दे दिया। मैंने मतलब इस टाइप के मोमेंट यार कैप्चर नहीं कर पाता, थोड़ा अजीब लगता है कि यार दिख रहे शो अप कर रहा है, दिखावा कर रहा है भाई। मुझे सच में मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना कोई ऐसी बात नहीं, मगर मुझे अजीब लगता है सच में, कैसा यार मतलब यार ये शो अप ये तो करना है, पर ऐसा कोई बात नहीं, बट अच्छा था। और ना हाँ मैं ये फिर बोलूँगा अपने देश के आर्मी के लिए एक बार बोल दीजिए जय हिंद। और चलते हैं अभी उधमपुर के लिए, उधमपुर पहुंचूंगा यहाँ से और फिर मिलता हूँ आपसे। और अभी तो है ना भाई इस साइड बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा अप डाउन होता रहता है, तो मैं पैदल ज़्यादा चल रहा हूँ इस टाइम भाई। सच में आज मैं बहुत ही कम कवर करूँगा किलोमीटर। पीछे का व्यू देखो भाई लोग, कितना बेस्ट व्यू दिख रहा है भाई, कितना हरियाली है पीछे, देखो कितना माउंटेन्स वगैरह है भाई, ये देखो कितना गजब द व्यू भाई, मजा आ रहा है ऐसा देखने। सच में मेहनत तो लगती है, बट भाई मेहनत का फल भी बहुत ही अच्छा होता है। और भाई ना जो आर्मी वाले सर मिले थे भाई, सच में इस टाइम ना जो ये आतंकवादी वगैरह कश्मीर में मिले, इसे डायरेक्ट से किल आज ही, जब अभी सर ने बताया कि जब मतलब अभी थोड़ी देर मिले था, ज्यादा देर नहीं हुआ, तो सर ना मैं बताया था कि वो किल ही करके आ रहे, आज भी उन्होंने एक आतंकवादी को मारा था। तो भाई सच में ये गजब था भाई, सच में कम से कम उन्होंने कहा सर तब कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर घूमे, पहले का कश्मीर नहीं भाई है, बहुत सेफ हो रहा है अब धीरे धीरे। सो जय हिंद फॉर आर्मी, एंड चलते हैं हम यहाँ से। स्वागत है आपका उधमपुर में गाइस, मैं पहुँच गया उधमपुर में, स्वागत भी हो गया। और गाइस ना जो उधमपुर है, जो आप जानते होंगे उधमपुर उधम सिंह के नाम से पड़ा, और जो उधम सिंह से थे ना, वो अपने भारत की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि उन्होंने जनरल डायर को उन्होंने इंग्लैंड में डायरेक्ट जाके ही मारा था। सो भाई वो बहुत ही बड़े महान नायक थे, और उन्होंने भाई सच में एक चिंगारी डाली थी अपने देश को आज़ादी के लिए, और वो चिंगारी इतनी फैली कि अपना देश आज़ाद हो गया। सो उनके लिए सल्यूट है। और गाइस पीछे देखो मेरा व्यू कितना ब्यूटीफुल है, जितने महान थे उधम सिंह जी, और उतना ही सुंदर हमारा
कश्मीर, और देखो पीछे व्यू। और ना अगर उधम सिंह का अगर हमको यहाँ कोई स्टैचू मिलेगा तो वो भी दिखा दूंगा। अभी मैं उधमपुर के थोड़ा आउटसाइड हूँ, अंदर नहीं हूँ। अगर कोई सिटी में मुझे अगर सड़क जाते हुए मिलेगा, क्योंकि मैं ना जल्दी सिटी में नहीं जाता, अगर मैं सिटी में घूमूंगा तो भाई मैं ना लद्दाख बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी सिटी में नहीं जाता। अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा बिकॉज ऑफ उधम सिंह। बज गए हैं 9 और मैं हूँ अभी उधमपुर में। बिकॉज आप बहुत ही थक गया था तो मैं यहीं पे रुका हूँ, और यहाँ पे भंडारा हो रहा है ना, तो मैं यहीं पे रात में रुक जाऊंगा, रात भर सोऊंगा और खाना पीना हो चुका है सब। और मैंने आपको भाई आरती भी दिखाई थी भगवान शंकर जी की अभी, क्योंकि ना यहाँ पे भंडारा हो रहा है ना, तो सो बहुत सारे लोग आए। देखो यहाँ पे देखो पीछे कितने लोग हैं भाई लोग, और अभी आवाज नहीं आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे भजन चल रहा है ना, सो इसीलिए। और भाई लोग आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, देख के भग भग जाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज भाई आप वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए, इंस्टाग्राम लाइव विद इंडियन पासपोर्ट एज अ यूट्यूब सेम। और क्योंकि मैं भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ ना आपके, मेरे हिसाब से भाई प्लीज, क्योंकि साइकिल चलाना ना बहुत ही हार्ड होता है पहाड़ों में। आज है भाई उधमपुर का दूसरा दिन और सुबह के बज गए हैं 10:30, और ये है अभी मैं सौमी सेंटर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक कैमरे का लेंस टूट गया था तो ये थोड़ा वीडियो धुंधला वगैरह आता है, सो ये बहुत ज़रूरी मेरे लिए भी था, इसलिए मैंने थोड़ा रास्ता कटआउट किया। और इसलिए मैंने मतलब उधमपुर में रुकने का प्लान भी बनाया था, नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं था इसमें यहाँ रुकने का, बट यार देखते हैं अगर बन जाता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई हो गया हमारा एमआई का सर्विस सेंटर, भाई लोग पीछे था एमआई का सर्विस सेंटर, वो बोर्ड आपको दिख रहा है उधमपुर में है। भाई सच में एमआई की सर्विस बहुत खराब ही क्वालिटी है, सर्विस अच्छी नहीं देते हैं। एक्चुअली ना मैं गया था ऐसे लेंस डलवाने, तो उन्होंने कहा लेंस अगर होता है तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है तो आपको डालना ही होगा। तो मैम का अगर नहीं होता है तो मैं थोड़ी डाल सकता हूँ, मैं क्योंकि ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे लद्दाख भी जाना है। सो वो लोगों ने कहा कि मैं कॉल बनाती हूँ ना, एक बार रजिस्टर होने के बाद अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आपको डालना ही होगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगा। ऐसा कहाँ होता है यार, वो अगर मतलब भाई पार्ट मेरे आपके पास है तो मेरा मैंने डलाऊंगा, अगर आपके नहीं है तो मैं डालूंगा थोड़ी, मेरी मर्जी भाई। सो मुझे बहुत गंदा लगा सर्विस सेंटर का भाई, सच में #MI सर्विस सेंटर रियली वेरी बैड इन उधमपुर। उधमपुर भाई सुधर जाओ आप लोग, MI सर्विस सेंटर वालों, आपका स्मार्टफोन करते मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली सर्विस क्वालिटी भी आप सही लोग नहीं दे रहे हैं और सर्विस सेंटर भी बहुत ही गंदा है। अभी मैं उधमपुर के मेन सिटी में, प्लीज गाइस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरा भाई देखा आप सर्विस सेंटर में बना ही नहीं, देखूंगा अगर श्रीनगर में बन जाता है तब तो बेस्ट है, नहीं तो यार भाई बहुत ही दिक्कत है मुझे आज। सो भाई बहुत ही कड़ी मशक्कत के साथ मेरा मोबाइल का लेंस बनी गया इसका, देखो बैक कैमरे से ही दिखा रहा हूँ। ये उधमपुर का बस स्टैंड है और आपको क्लैरिटी दिख रही है, पहले धुंधला आता था ना, अब भाई फिक्स हो गया। 150 रुपीज़ ही केवल लिए, सर्विस सेंटर पे तो 600 रुपये कह रहा था, यहाँ पे 150 रुपये लोकल साहब पे बन गया, भाई मेरा बहुत ही सेविंग हो गया, जो मेरे लिए बेस्ट है। तो भाई एंड करते हैं वीडियो ये उधमपुर से, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए लाइव विद इंडियन पासपोर्ट इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो जय हिंद।